रूस यूक्रेन के बीच जंग में चीन आग में घी डालने का काम कर रहा है और इस जंग में कई देश कहीं ना कहीं से शामिल हो चुके हैं, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, ब्रिटेन हो या फिर हो कोई अन्य देश, सब एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। अब जो नई धमकी मिली है वो मिली है धमकी बाद चीन को ब्रिटेन की ओर से, यानी उस देश को धमकी मिली है जो दुनिया के तमाम देशों को धमकियां देता फिरता है और यूक्रेन रूस जंग में इधर उधर की बात करता है। लेकिन ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने चीन का नाम लेते हुए बकायदा ये कह दिया कि चीन को जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध में सही पक्ष का चयन करना होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक नई वैश्विक सत्तावादी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कदम की निंदा नहीं करके चीन इतिहास के गलत पक्ष की तरफदारी करने का जोखिम ले रहा है। बोरिस जॉनसन ने कहा, मुझे लगता है कि चीन में आप कुछ विचारों में बदलाव को देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने पहले कभी सही और गलत संबंध में इससे स्पष्ट मामला देखा हो। मैंने इससे पहले कभी अच्छे और बुरे में इतना साफ अंतर देखा हो, क्योंकि वहां युद्ध जारी है। ये बिल्कुल साफ है कि सही चीज यूक्रेनी पक्ष की ओर है। उनकी दुर्दशा दुनिया के सामने है, इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 3 हफ्तों से जो बदलाव जारी है उसे लोग समझ रहे हैं। अब जैसे ही बोरिस जॉनसन ने धमकी दी वैसे ही चीन भड़क गया और फिर क्या था, हो गई जुबानी जंग। चीनी स्टेट काउंसलर विदेश मंत्री वांगी ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने स्पष्ट और व्यापक रूप से यूक्रेन मुद्दे पर चीन का रुख प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि चीन हमेशा विश्व शांति की रक्षा करने की ताकत रही है। हम हमेशा शांति बनाए रखने की वकालत करते हैं और युद्ध का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, ये चीन की विदेश नीति है। चीन मामले को तथ्यों के आधार पर वस्तुगत और निष्पक्ष रवैया अपनाकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। हम कभी भी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे और हम चीन के खिलाफ किसी भी आधारहीन आरोप और संदेह का भी विरोध करते हैं। राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने यूक्रेन के संकट का चीनी समाधान भी प्रस्तावित किया, जिसमें मुख्य रूप से 2 पहलू शामिल हैं। खैर, चीन को ये धमकी कैसी लगी ये तो चीन ही बता सकता है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत लगातार इस युद्ध को खत्म करने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।